मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री अपने निजी कार्यक्रम के दौरान हाट पिपलिया पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व पार्षद भुजराम जाट के पिताजी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित के साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेताओं से मुलाकात की है। इस दौरान मंत्री कमल पटेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। इस दौरान पूर्व की कमलनाथ सरकार पर मंत्री कमल पटेल ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 15 महीनों में कुछ नहीं किया है, कांग्रेस अब वोट मांगने जाएगी तो इनको धक्कार मार कर मतदाता भगा देंगे। साथ ही शिवराज सरकार की जमकर तारीफ की, कहा कि वह भाजपा जो कहती है वो करती है, साथ सबका विकास सबका विश्वास मोदी जी ने कहा है वो करके दिखाएंगे। कच्चे उसमें भी आधा भ्रष्टाचार और इसलिए वो बह गए और भारतीय जनता पार्टी ने पक्के प्रधानमंत्री आवास बना के दिए और सीधे उनके खातों में पैसा डाला ईमानदारी के साथ और इसलिए वो टिके रहे। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारे नेता अच्छे हैं, हमारी नीति अच्छी है, हमारी नीयत अच्छी है और इसलिए ऊपर वाला भी हमको साथ देता है। कमलनाथ जी रोते रहे 15 महीने पैसे नहीं, खाली खजाना, लेकिन इनके पास आईफा अवार्ड करने के लिए 700 करोड़ थे। हीरोइन के साथ फोटो खिंचवाने में कमलनाथ बूढ़े को समय था, वो कैसा फोटो देखो देखता था, हीरोइन को घूर के दिखाई जाएगा। तो इस प्रकार 700 करोड़ आईफा के लिए है, लेकिन गरीब कि हाँ अगर कोई मृत्यु हो जाए उसकी अंत्येष्टि के लिए शिवराज सरकार ने भाजपा सरकार ने 5,000 रुपए अंत्येष्टि दी, वो नहीं दिए इन्होंने 15 महीने में किसी को।